राहु अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, यानी कि आपके सर पर ही सवार हो गए ना, तो आपका पूरा फोकस अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर होता है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आपके लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। आप लोग मूडी होते हो, एम्बिशियस होते हो, अटेंशन सीकर होते हो और बहुत शार्प माइंडेड होते हो। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, आपको एक नेचर और देते हैं कि आप अपनी बात पर टिकने वाले नहीं होते। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी चलते रहते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आपके मल्टीपल अफेयर करवाते हैं, उनके ब्रेकअप्स भी बहुत जल्दी करवा देते हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है ना, आपका सेल्फिश नेचर हो सकता है। आप अपने पार्टनर से झूठे वादे करने वाले हो सकते हो और उन्हें कई बार डिसरेस्पेक्ट भी करते हो। आप उन्हें वो रेस्पेक्ट नहीं देते जो कि वो डिजर्व करते हैं। राहु जो है ना, केतु के बगैर अधूरा है, और वो कब कंप्लीट होता है? यहाँ पर बैठे हुए राहु अपने पार्टनर को पाने के बाद कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने पार्टनर की आइडेंटिटी को कभी दबाना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर आप शुभ करना चाहते हैं ना, तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए और चांदी धारण करनी चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के सेकंड भाव में है ना, तो यहाँ बैठे हुए राहु जो आपकी जुबान है ना, वो तलवार की तरह तेज बना देते हैं। आप बिना सोचे समझे वो बातें बोल जाते हैं जिससे कि आपको नुकसान। आपका पूरा फोकस पैसा कमाने की तरफ होता है। आप हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार छोटी छोटी चीजों का जो है ना, वो मजा नहीं ले पाते। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। राहु जो कि एनर्जी के एम्पलीफायर है ना, वो बोलते हैं यहाँ बैठ के कि उन्हें सफल होना है, उन्हें धनी होना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आप सब कुछ करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार अपनी रफ वाणी को जादुई तरीके से यूज करके ना, अपने सारे काम निकलवाने वाले होते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु हैं, कई बार आपको परिवार से दूर भी कर देते हैं, चाहे स्टडी के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, वो आपको बहुत अच्छा गैम्बलर बनाते हैं, बहुत अच्छा सेल्समैन बनाते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करने वाले होते हो। आप बहुत अच्छे स्पीकर होते हो, शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड होती है। यहाँ इसके साथ ही जो है, आप फैमिली बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर शुभ करना है ना, तो आपको हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और परिवार के साथ कनेक्शन अच्छा रखना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु की जो प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ ना कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है ना, आप लोगों में होता है। राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट कराने वाले होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया में आप काफी एक्सपर्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज करके आप अपने नॉर्मल बिजनेस को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब होते हैं। राहु अगर थर्ड हाउस में है ना, तो आपके भाई बहनों के साथ जो कनेक्शन है, वो काफी अच्छे होते हैं। राहु थर्ड में जब भी होता है, तो ये आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करवाता है। आप अपनी लाइफ में घर, जॉब, बिजनेस कई बार बदलते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु ना, थोड़ा आपको आलसी जरूर बना देते हैं। आप काम करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर आप शुभ करना चाहते हैं, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ कनेक्शन अच्छे रखने चाहिए। आपको आलस बिल्कुल त्याग देना चाहिए। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर आपको फेवर में लाना है, तो आपको हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु को बिना चाबी वाली कार कहा गया है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए राहु आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कराते हैं। आप अपने घर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर हमेशा अनसेटिस्फाई रहते हैं। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, क्योंकि जो राहु है ना, वो इच्छा है, उसने अमृत पान किया है जो कि कभी खत्म नहीं होती। आपका पूरा फोकस अपने घर पर होता है, अपने इनर पीस पर होता है। आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लग्जरीज की प्रबल इच्छा रहती है। यहाँ बैठे हुए राहु जो है, आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपकी मदर की लाइफ को टफ भी बना देते हैं। आपकी मदर की लाइफ में हमेशा हलचल मची रहती है। यहाँ बैठे हुए जो राहु है, आपका पूरा दिन, पूरा फोकस जो है, घर और काम पर बना रहता है।
यहाँ बैठे हुए जो राहु है, आपको अगर शुभ करना है ना, तो आपको बिना सोचे समझे घर में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। अपनी मदर के साथ कनेक्शन हमेशा अच्छा रखना चाहिए। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको गंगा स्नान करते रहना चाहिए और गले में चांदी की चेन धारण करनी चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस में है, तो यहाँ राहु को सुपर इंटेलिजेंट कहा गया है। आप लोगों की क्रिएटिविटी कमाल की होती है, सेलिब्रिटी बनने की पूरी पोटेंशियल आप लोगों में होती है। फिल्म लाइन, शेयर मार्केट, एक्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑकल्ट, ये सारी चीजें ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली होती है। जिन बच्चों के राहु फिफ्थ हाउस में होते हैं, ऐसे बच्चे थोड़े से शरारती ज्यादा होते हैं, हर बात मनवाने वाले होते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु है, कई बार इन बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक दिलवा देते हैं। इन बच्चों को ना अपनी मदर की अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होती है। जिन बड़े लोगों के राहु जो फिफ्थ हाउस में है, उन लोगों की लव लाइफ में काफी प्रॉब्लम देखी गई है। इन लोगों की लाइफ में ट्रस्ट इश्यू देखे गए हैं। जो बच्चे हैं, कई बार राहु जो फिफ्थ हाउस में बैठकर सर्जरी से, आईवीएफ से या सरोगेसी से दे देते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर आप शुभ करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में फोकस की कमी रहती है। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में फोकस किया, तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। यहाँ बैठे राहु को शुभ करना चाहते हैं, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें और चांदी के गिलास में पानी पिए। राहु अगर आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको खूब धन कमाने की, कंपटीशन को जीतने की, सोसाइटी में अपना बड़ा नाम कमाने की, अपनी एनिमीज को हराने की स्ट्रांग पावर देते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे एनिमी होते हैं, लेकिन वो आपसे पंगा लेने में ना अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि उन्होंने अगर आपसे पंगा लिया ना, तो आप उनकी हालत खराब कर देंगे। यहाँ बैठे हुए राहु आपके लाइफ के शुरुआती दौर में आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आपके दिमाग को बहुत तेज बनाते हैं, आप हर परिस्थिति से अपने आप को आसानी से निकाल लाते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आपको हेल्थ की प्रॉब्लम बीच बीच में देते रहते हैं। आप लोगों को ना राहु यहाँ पे बैठकर आपकी संगत को थोड़ा सा खराब कर देते हैं, इसलिए अगर आपको राहु को शुभ रखना है, तो आपको अपनी संगत को सही रखना चाहिए। यहाँ बैठे हुए जो राहु हैं, बहुत अच्छे आपको डॉक्टर बनाते हैं, लॉयर बनाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनाते हैं। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड काम करने में भी आप एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु को शुभ करना चाहते हैं, तो कुत्तों की सेवा आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अच्छी संगत रखें और सेवा भाव अपने मन में रखें। राहु अगर आपकी कुंडली के सेवंथ हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको बहुत तेज दिमाग देते हैं। आप लोगों की इंट्यूशन पावर गजब की होती है, किसी भी बात की तह तक चले जाना ना, ऐसी काबिलियत जो है वो राहु दे देते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आपके रिश्तों में कंफ्यूजन देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके रिश्ते ना तबाह हो जाते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु है, आपको लाइफ लॉन्ग तक हार्ट ब्रेक देकर जाते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं ना, जल्दी खराब हो जाते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आपको चीटिंग आपके साथ करवाते हैं। आप चीट नहीं करते, आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, बल्कि धोखा आप लोगों के साथ होता है। यहाँ बैठे हुए राहु तो आपको आपके पार्टनर के प्रति पोजेसिव बनाते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए राहु आपको बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड बनाते हैं। राहु अगर सेवंथ हाउस में है ना, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपको फुल सपोर्ट करते हैं। अगर आपने बिजनेस को फॉरेन से कनेक्ट किया या घर से दूर जाकर बिजनेस किया ना, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु को अगर आपको शुभ रखना है, तो आपको अपनी संगत को अच्छा रखना होगा, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी होगी, उस पर ट्रस्ट रखना होगा। चांदी जितनी हो सके आप धारण करें, और चांदी जितनी ज्यादा हो सके अपने घर में रखें। राहु अगर आपकी कुंडली के एट्थ हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको खोजी किस्म का बना देते हैं। कुछ नया करने की चाहना आप लोगों में हमेशा बनी रहती है। किसी भी चीज की डीपली एनालाइज करने की काबिलियत आप में बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर आप लोगों की भी बहुत अच्छी होती है। राहु को ससुराल कहा गया है, तो यहाँ बैठे हुए राहु जो है, आपको कई बार आपके ससुराल के साथ जो संबंध है ना, वो खराब करा देते हैं, लेकिन आप लोगों को धन लाभ जरूर करवाते हैं। राहु जो यहाँ बैठकर आपका ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, अध्यात्म में, रेकी में, ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, आपका जिसके साथ सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, उसके साथ अलगाव दे देते हैं, उससे आपको दूर कर देते हैं, उससे दिक्कतें दिलवा देते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु को ना एक चीज और देते हैं, कि आपके
अपने पार्टनर के साथ जो आपके रिश्ते हैं ना उनको भी खराब कर देते हैं। आठवां घर जो है पुरानी यादों के लिए भी जाना जाता है, तो ऐसे लोग जो है ना पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। यहाँ बैठे हुए राहु हर चीज में घुसना चाहते हैं, किसी की लाइफ में घुसना चाहते हैं, कुछ ना कुछ खोजबीन करना चाहते हैं। अगर ऐसे यहाँ बैठे हुए राहु को आपको शुभ करना है ना, तो आपको किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी को बहुत ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ बैठे हुए राहु को और ज्यादा शुभ करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना चाहिए और शिव आराधना करनी चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में है, यानी कि भाग्य स्थान में है, तो ये आपके भाग्य को तो थोड़ा सा कमजोर बना देते हैं, लेकिन आपको निडर प्रवृत्ति का बना देते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आपको बहुत अच्छा मोटिवेटर बनाते हैं। विदेशों से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाने वाले होते हैं, आपकी विदेश यात्रा लाइफ में एक बार जरूर करवाते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, आपकी लाइफ में पिता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। या तो आप लोग पिता के भक्त होते हो, या फिर पिता से नफरत करने वाले हो सकते हो। आपके दादा का, आपके पिता का समाज में काफी रुतबा होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु जो है ना आपके करियर में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम देते हैं, हायर एजुकेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप लोग जो है ना सोसाइटी के रूल ब्रेक करने वाले हो सकते हो, धर्म को ना मानने वाले हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ना हर बात में लॉजिक चाहिए होता है। लेकिन अगर आप विदेश से कनेक्ट होकर कुछ जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो ना, तो ये आपकी बहुत अच्छी अर्निंग कराते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु आप बहुत ज्यादा मेहनत तो जरूर करते हो, लेकिन आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए राहु पितृ दोष भी क्रिएट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे राहु को सही रखना है तो आपको अपने बुजुर्गों का, अपने पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गलती से भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको धर्म से जुड़े रहना चाहिए और केसर का तिलक माथे ना भी जुबान पर लगाना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको काफी स्किलफुल पर्सन बनाते हैं, आपको ब्रेव, आपको रिच बनाने की ताकत रखते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु है आपको समाज में नेम फेम पाने की जो है ना आप में प्रबल इच्छा पैदा कर देते हैं। कुछ बड़ा करने की चाह आप में हमेशा रहती है। यहाँ बैठे हुए राहु आपको बिजनेस करने की स्ट्रॉन्ग पावर देते हैं, बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए। इसको अचीव करने के लिए आप कुछ भी करते हो, कुछ भी साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाते हो, यानी कि हर तरीके से अपना काम निकलवाने वाले होते हो। यहाँ बैठे हुए जो राहु हैं आपको थोड़ा मस्त मौला बनाते हैं, लोगों की नजर हर वक्त आप पर टिकी हुई होती है। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना आपके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन कराते हैं, आप जो है उच्च अधिकारी हो सकते हो, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हो। यहाँ बैठे हुए जो राहु है आपकी मदर की थोड़ी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको गलत आदतों की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, गलत संगत में डाल सकते हैं। तो इस यहाँ पर बैठे हुए राहु को अगर आपको शुभ रखना है ना, तो आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए। आपको अंधों के स्कूल में जाकर खाने पीने की चीजों का डोनेशन करना चाहिए, अपना सिर हर वक्त ढक कर रखना चाहिए और नॉनवेज से बचकर रखना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको अनगिनत इच्छाएं देता है, क्योंकि 11th हाउस इच्छाओं का है, लाभ का है। तो यहाँ बैठे हुए जो राहु है आपको लाभ, अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे देते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए ना बहुत ज्यादा प्रयास करते हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, और राहु यहाँ पर बैठकर आपकी हेल्प भी करते हैं। वो आपके करियर में आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देते हैं, आपके लिए लाभ के सारे रास्ते खोल देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो राहु हैं आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्स आपको दे देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है आपको महाधनी, करोड़पति बनाने की भी पावर रखता है। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना आपको आपके पिता के साथ का कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कर देते हैं। अगर आप अपने पिता के साथ रहते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो यहाँ बैठे हुए राहु जो है ना आपको हमेशा अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छा करियर, हैप्पीनेस जरूर देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए जो राहु है ना आपको सोशल सर्कल आप लोगों का बहुत अच्छा होता है, आपके दोस्त जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने पिता के साथ आपके ने कनेक्शन है ना वो बहुत अच्छे रखने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आप लोगों को जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए और चांदी धारण करनी चाहिए। राहु अगर आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना आपको बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड बनाते हैं।
आप लोग किसी के दबाव में आकर कार्य करना पसंद नहीं करते, इसलिए आप लोग जो है ना अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते और आप बिजनेस में अपने आप को कन्वर्ट करते हो। यहाँ बैठे हुए जो राहु हैं आपको विदेश जाने और विदेश में बसने की प्रबल इच्छा पैदा करते हैं। आप लोगों की विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा होती हैं, चाहे आप जॉब के लिए जाओ, चाहे स्टडी के लिए जाओ, चाहे बिजनेस के लिए जाओ। यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, आपकी जो संगत है ना, कई बार गलत दिलवा देते हैं। इनलीगल तरीकों से धन कमाने की आपकी जो इच्छा है ना, उसको भी प्रबल कर देते हैं। आप झूठ बोलने वाले, रिस्क उठाने वाले और नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाले हो सकते हो, जिसका जो बुरा असर है ना आपकी हेल्थ पर होता है। आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बुरे बुरे सपने आ सकते हैं, अनजाना डर, अनजाना भय आपको लगा रह सकता है। आप लोगों के एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ बैठे हुए जो राहु है ना, अगर आपको सही रखना है, उन्हें ठीक रखना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको अपने घर की छत को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। आप लोगों को बुरी संगत से बचकर रहना चाहिए। इनलीगल तरीकों से धन कमाने से आपको बचना चाहिए। आपको बारिश में नहाना जरूर चाहिए। और यहाँ बैठे हुए राहु को शुभ करना चाहते हैं तो शिव आराधना जरूर करनी चाहिए।